अब तक आपने देखा कैसे रामा चतुराई से मल्ल स्तंभ की स्पर्धा में सिम्बा को हरा देता है, जिसे देख दुर्जन और अखाड़े में प्रस्तुत सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। रामा को विजय प्राप्त होते देख दुर्जन मल्ल युद्ध में रामा को परास्त करने की चुनौती देता है। उसी दिन रामा गुंडप्पा के साथ दुर्जन के अखाड़े में जाता है और दुर्जन की कमजोरी का लाभ उठाते हुए मंत्रीवर से कहकर राम जी का घोड़ा ढूंढने का आग्रह करता है। अगले दिन घबराया हुआ रामा दुर्जन से मल्ल युद्ध करने अखाड़े में है। अब आगे अंतिम बार तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है पंडित रामाकृष्णा। यदि आपने अखाड़े के लिए प्रस्थान नहीं किया तो विवश होकर हमें दुर्जन को विजयी घोषित करना पड़ेगा। पंडित रामाकृष्णा, ये विजयनगर के मान सम्मान का प्रश्न है। जाओ जाओ, सामना करो। जाओगे तभी तो हम तुम्हारे पिटने का आनंद प्राप्त करेंगे। मंत्रीवर कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? गुरुजी, अगर रामाकृष्ण अखाड़े में नहीं जा रहे तो आप कूद पड़िए ना अखाड़े में। विजयनगर के मान सम्मान का प्रश्न है गुरुजी, और वैसे भी आप तो छींक मार के पहलवान को उड़ा देते हैं ना। जाइए। बहुत अच्छा विचार। जरा जी गुरुजी, सही कहा ना। मार दाव का प्रयोग अवश्य करना। नहीं, दुबे फचाड़, दुबे फचाड़। नहीं, नहीं, नेत्र नोचना। तो आज के प्रतिस्पर्धी में लुके सर्वप्रथम हम राजगुरु तथाचार्य महाराज श्री कृष्णदेव राय और महारानियों का स्वागत करते हैं, और साथ ही साथ स्वागत है विजयनगर की जनता का। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे एक और हैं अजय सर्वविख्यात महाशक्तिशाली महाबलशाली धुआंधार दुर्जन, और इस ओर है आप सबके प्रिय बुद्धिशाली पंडित रामा कृष्णा। आज की यह स्पर्धा बल और बुद्धि के मध्य है, और हमें आशा है कि भगवान पंडित रामा कृष्णा की रक्षा करेंगे। वैसे भी पंडित रामा कृष्णा को भगवान की रक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है ना? मेरे गुरुवर, आप आशीर्वाद दे रहे हैं या भयभीत कर रहे हैं? जैसा कि आप सबको विदित है इस प्रतियोगिता के नियम क्या है। यदि स्पर्धा के मध्य कोई घायल हो जाता है या किसी कारणवश किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए दूसरा उत्तरदायी नहीं होगा। दोनों में से कोई भी प्रतिद्वंदी अखाड़े की सीमा के बाहर नहीं जा सकता है। स्पर्धा प्रारंभ की जाए। महाराज कुछ कीजिए, पंडित रामाकृष्णा के लिए ये प्रतिस्पर्धा संकट में प्रतीत हो रही है। हाँ महाराज, आप पंडित रामाकृष्णा को लौकी करेला और अदरक की चटनी और साथ में नींबू का रस पीने का आदेश दीजिए। हम स्वयं अपने हाथों से बनाकर लाए हैं। इसे पीकर पंडित रामाकृष्णा का संपूर्ण शरीर द्वंद्व के लिए सक्रिय हो जाएगा। महारानी तिरुमलम्मा, आपकी इच्छा है कि पंडित रामाकृष्णा अखाड़े में खड़े रहे? हाँ हाँ, अवश्य। तो आप ये चटनी और नींबू का रस सब रहने दीजिए। अरे परंतु आप दोनों चिंतित मत होइए। पंडित रामकृष्ण के पास इस समस्या का कोई ना कोई निवारण अवश्य होगा। आप दोनों तैयार हैं? बंद प्रारंभ कीजिए। रुके 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 रुके, थोड़ी प्रार्थना कर लेता हूँ। हाँ हाँ, प्रार्थना करके ईश्वर हमें स्वर्ग में स्थान दे।
मंत्रीवर मेरे स्वर्गवास के पश्चात पधारेंगे क्या? क्या कर रहे हैं आप? और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? हो गया? हो गया। अब तुझे मैं कीड़े की तरह मसल दूंगा। पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। क्या हो रहा है महाराज? अम्मा, अम्मा। निर्णायक महोदय, स्पर्धा पुनः प्रारंभ कीजिए। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ दुर्जन जी? मरने से पूर्व तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। जो पूछना है तुम्हें पूछो। धन्यवाद। मैं ये पूछ रहा था कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम दुर्जन क्यों रखा? अत्यंत ही नकारात्मक नाम है। नहीं, तुम इसको छोड़कर कुछ भी पूछो। देखो, मेरी अंतिम इच्छा है। तुमने कहा था कि तुम अवश्य पूर्ण करोगे। ये अत्यंत दुखद कहानी है। अच्छा, फिर तो मैं तुम्हारी दुखद कहानी अवश्य सुनना चाहूंगा। मुझे सुनाओ, बताओ मुझे। एक काम करते हैं, बैठ कर बात करते हैं। बैठ जाओ। हाँ, अब शांतिपूर्वक बताओ। मेरे माता पिता बाल काल में ही स्वर्गवासी हो गए थे। हैं? तो फिर आपका जन्म किस प्रकार हुआ? वो मेरे बाल काल में स्वर्गवासी हुए जब मैं सिर्फ एक माह का था। अच्छा, अर्थात आपका नाम आपके माँ बाप ने नहीं रखा? नहीं, उन्होंने ही रखा था। तो फिर यदि आप एक माह के थे तो आपको कैसे पता चला? वो जो ना पत्र छोड़ के गए थे, उसमें लिखा था कि तुम बड़ी ही अशुभ घड़ी में जन्मे हो। ओहो, देखो तो अम्मा, तुम्हारे जन्म के समय पूरे गांव में सूखा पड़ गया। तुम्हारी दादी स्नान गृह में गिर गई और उनके दाएं पैर की और बाएं हाथ की हड्डी टूट गई। हम दरिद्र हो गए, हमारे खेत जल गए, आंधी तूफान ने हमारा घर उजाड़ दिया। हम ये सब सहन नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारा त्याग कर रहे हैं। तुम दुर्जन हो। बड़ा बुरा हुआ है ना अम्मा? भगवान, ये मंत्रीवर कहाँ रह गए? दुर्जन, ये क्या कर रहे हो? ये समय बातों में व्यर्थ गवाने का नहीं है। समझे इस बात को, ये पंडित रामकृष्ण की चाल है। ये तुम्हें मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। दुर्जन, ये समय बहुत कीमती है। तुम मुझे अपनी बातों में उलझा रहे हो। मैं तुम्हें कीड़े की तरह मसल दूंगा। मसल दे। कीड़ा दे, 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 दे। ये पे था। अभी वो खाड़े की मिट्टी के अंदर प्रवेश कर गया है। अभी कुछ समय के लिए स्पर्धा स्थगित की जाती है। हाँ, क्यों? तुम कुछ कह रहे थे ना अपने नाम के बारे में? मैं कह रहा था मेरा नाम सब निकाल दीजिए, गुरुदेव खा के पटक दीजिए। तुम्हें कीड़े की तरह मसल दूंगा। छोड़ो, सांस रुक रही है।
अंतिम बार अपने ईश्वर की प्रार्थना कर लो रामा कृष्णा। निर्णायक महोदय, रोकिए इस मल्ल युद्ध को। प्रतीक्षा कीजिए, उनके प्राण संकट में है। बच गया। सब घूम घूम क्यों रहे अम्मा? हम महाराज से कह के स्पर्धा समाप्त करवा देते। नहीं शारदा, विजयनगर के सम्मान का प्रश्न है। महामंत्री को पता नहीं कहाँ रह गए वो। और तुम इस पेड़ के पीछे देखो, वहाँ है। ठीक से ढूंढो, ठीक से। नहीं मंत्रीवर, यहाँ भी नजर नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आता ये राम जी का घोड़ा हम कहाँ ढूंढे। राम जी का घोड़ा नहीं आया, ये असली नहीं तो नकली ले आते। जल तनिक अधिक पी लिया था ना, इसलिए। जाइए। अब ये जा कहाँ रहा है? अब विजयी होने में यही मेरी सहायता करेगा। तेरा प्रयोग अब मैं उस दुर्जन के विरुद्ध करूंगा। गिला, गिला, गिला। आओ दुर्जन। अरे बाप रे, राम जी का घोड़ा। आओ द्वंद करो मुझसे। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, मैं कहता हूँ। लगता है इन्होंने कोई नई युक्ति निकाली है, इसलिए दुर्जन इनसे डर के ऐसे भाग रहा है। अरे हो क्या रहा है, ऐसा लगता है जैसे दुर्जन हमारी आकांक्षाओं पर पानी फेर देगा। चमत्कार हो गया ये तो। पंडित रामकृष्ण अद्भुत। वहीं रुक जाओ, मैं कहता हूँ, वहीं रुक जाओ। मेरी रक्षा करो, उसके पास राम जी का घोड़ा है। मैं युद्ध भी नहीं रुकवा सकता, अन्यथा सबको मेरा रहस्य मालूम हो जाएगा। गुरुदेव धैर्य रखिए, हिम्मत से काम लीजिए। अन्यथा गुरुदेव सबके सामने अपना अपमान हो जाएगा कि आप एक कीड़े से डरते हैं। वाह रामा, क्या युक्ति लगाई है, अब हम दोनों बच जाएंगे। आओ दुर्जन आओ। ये तो मर गया है। नहीं नहीं जिंदा है, अभी 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 उड़ेगा। अरे उड़ जा, अरे अभी उड़ेगा। अरे अब तेरा क्या होगा। हम समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है। कभी रामा दुर्जन के पीछे तो कभी दुर्जन रामा के पीछे। हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये दोनों अभ्यास कर रहे हैं। पंडित रामकृष्ण
मसलते मसलते दुर्जन, अब मल्ल करो मेरे साथ। नहीं नहीं तुम वहीं रुक जाओ। क्यों? तुमने तो विजयनगर को चुनौती दी थी ना? आओ। आओ, नहीं, नहीं। हटाओ, हटाओ इसे मेरे ऊपर से, हटाओ। पहले अपनी पराजय स्वीकार करो दुर्जन, तभी हटाऊंगा। हाँ, हाँ, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। नन्हे पहलवान, राम जी के घोड़े, आज आपने अपना नाम भी सार्थक किया और मुझे विजयी भी बनाया। आप वास्तव में अश्वमेध के वो अश्व हैं जिसे प्रभु राम ने छोड़ा था। आपका आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं स्वीकार करता हूँ पंडित रामाकृष्णा कि आपकी बुद्धि मेरे बल से ज्यादा शक्तिशाली है, परंतु मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि कृपया कर इस रहस्य को आप अपने तक ही सीमित रखिए। मुझे अभी देश के शेष पहलवानों को पराजित करना है। यदि उन्हें ये रहस्य मालूम हो गया तो वे भी राम जी का घोड़ा लेकर मल्लयुद्ध में आ जाएंगे। आप कृपया करें, अन्यथा मेरा पहलवान के रूप में भविष्य समाप्त हो जाएगा। स्वीकार है, परंतु ये लाल वस्त्र जो आपके पैर में बंधा है, ये आपको मुझे देना होगा। आभारी हूं पंडित रामाकृष्णा, आप ये वस्त्र नहीं, मेरा सम्मान मुझे लौटाया है। आप विजयनगर के गौरव हैं और सदैव रहेंगे। अरे गुरुवर, हैं? क्या हुआ, आप किस विचार में पड़े हैं? अब तो घोषणा कर दीजिए कि मैं विजेता रहा। हाँ हाँ, अरे घोषित कीजिए गुरुवर कि बुद्धि की जीत हुई है। घोषित कीजिए कि बुद्धि बड़ी या बल। बिल्कुल सही, बोलिए बुद्धि बड़ी या बल। बोलो 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 बुद्धि बड़ी या बल। बोलिए बुद्धि बड़ी या बल। कहिए गुरुवर जी, बुद्धि बड़ी या बल। बोलो बुद्धि बड़ी या बल। पंडित रामाकृष्णा की विजय हुई। ये तय हुआ कि बुद्धि के आगे बल कुछ नहीं, ये बुद्धि की बल पर विजय है। पंडित रामकृष्ण, सर्वप्रथम तो हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आप ये प्रतिस्पर्धा जीते कैसे हैं। महाराज, मेरी विनती है कि इस बारे में मैं आपको एकांत में बताऊं। मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा। कारण जो भी हो। आप इस पुरस्कार के योग्य हैं।
आपने सिद्ध कर दिया है कि बल से बुद्धि बड़ी होती है। आपने विजयनगर के सम्मान की रक्षा की है, धन्यवाद। पंडित रामकृष्ण की पंडित रामा 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 की। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।